बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश में एक बार फिर गतिरोध पैदा हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस बार प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास बंग भवन के सामने प्रदर्शन किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी वजह से एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसे लेकर अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्सी खतरे में आ गई है। शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे के मामले को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो खुलासा किया है, उसने बांग्लादेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर जाने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच राष्ट्रपति के इस बयान के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में घटनाक्रम में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 दिन बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 8 अगस्त को यूनुस और उनके सलाहकार परिषद के सदस्यों को पद की शपथ को असाधारण स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी गुट भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शहीद मीनार के सामने रैली करके शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को फासीवाद का सहयोगी बताया। वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के तुरंत इस्तीफे देने और बंग भवन खाली करने की मांग की। इन प्रदर्शनों को देख अब यूनुस सरकार की दिक्कत बढ़ गई है। अंतरिम सरकार किसी तरह इस प्रदर्शन की आग को बुझाना चाहती है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर शुरू हुआ है प्रदर्शन का दौर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी JNU हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो त्यागपत्र दिया जाना केवल औपचारिकता नहीं होती है, संवैधानिक बाध्यता होती है, संवैधानिक अपेक्षा होती है। पद जब रिक्त होगा, नई सरकार का गठन होगा, सभी लोकतांत्रिक देशों में चयन की प्रक्रिया और निर्वाचन के बाद पदारूढ़ होने की प्रक्रिया यही होती। अब जब राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई त्यागपत्र ना उन्हें मिला है, ना उन्हें जानकारी है, ना इसके दस्तावेजी सबूत हैं, फिर क्या स्थिति बनती? देखिए अश्विनी जी, अगर बांग्लादेश को आज की स्थिति में देखते हैं तो वहाँ पे 3 बहुत बड़े संकट हैं। पहला राजनीतिक संकट, दूसरा संवैधानिक संकट है, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो सुरक्षा का जो एक संकट बना हुआ है कि बेसिकली जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस हैं, आर्मी है, जुडिशरी है, उनको जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो एक कमेटी बनी हुई है, या स्टूडेंट छात्र आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से डिसाइड नहीं कर रहे, वो कोहोर्स के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वहाँ पे चीफ जस्टिस होगा, कौन वहाँ पे पुलिस, किस पुलिस अफसर को कहाँ लगा जाएगा। तो एक तरीके से पॉलिटिकल केओस बना हुआ है। जी, जी। राजनीतिक संकट इसलिए है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से भगाया और जिस तरीके से हटाया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मींस वहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट का, क्योंकि 15वां संविधान जो संशोधन हुआ, उस 15वें संविधान संशोधन में केयर टेकर सरकार की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 58B था, उसको खत्म कर दिया गया, और उसका भी मिसयूज होने के चांसेस थे, जो कि 2006 से 2008 के बीच में उस केयरटेकर गवर्नमेंट का मिसयूज हुआ। अब आ गया नया कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संकट कि राष्ट्रपति जो है वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कह रहे हैं कि
और जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनको कभी इस्तीफा दिया ही नहीं। तो अगर इस्तीफा दिया नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है नहीं, और अब वो इस बात को उन्होंने रखा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो जो कोहर्स के बाद जो स्टूडेंट्स उनकी डिमांड्स जायज डिमांड थी, उनका कोटा का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, करप्शन का इशू था, नेपोटिज्म का इशू था, सारी बात मान ली, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो निर्णय ले रहे हैं और उसके दो परिणाम अभी सामने आए हैं। पहली बात कि जो 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन 30 लाख लोगों के शहीद होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ बांग्लादेश के लोगों ने, उस कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात कर रहे हैं। वो नया संविधान क्या होगा, क्या वो इस्लामिक ताकतों के माध्यम से होगा या प्रोग्रेसिव, ये बहुत बड़ा एक एम्बिग्यूटी बांग्लादेश में बनी हुई है। दूसरा जो एक बहुत बड़ी जो अवामी लीग थी, उसका जो छात्र लीग है, स्टूडेंट विंग थी, उसको आज बैन कर दिया गया। तो आप ये बात मान के चलिए कि अपोजिशन को जिस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, जो इनटॉलरेंस अपोजिशन के साथ किया जा रहा है, उसी आरोप पे तो शेख हसीना को हटाया था। तो शेख हसीना और आप में कोई फर्क नहीं हुआ, आप भी वही कर रहे हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। फिर आगे क्या लगता है, ये प्रदर्शन का दौर बढ़ेगा या प्रदर्शन का स्वरूप और ज्यादा व्यापक या विस्तारित होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का इंटरवेंशन करके इस संवैधानिक संकट को, उपज रहे संवैधानिक संकट को कहीं वो दरकिनार करने की कोशिश करेगा, तब जबकि न्यायपालिका पर भी प्रदर्शनकारियों का दबाव है, 20 से ज्यादा देशों को दशहरा दुर्गा पूजा के उसके बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है, मतलब उन्हें काम करने से पदमुक्त नहीं किया गया है, कार्यमुक्त कर दिया गया है, वो मुकदमे नहीं देख पा रहे। देखिए, बांग्लादेश में एक परंपरा रही है, विनर टेक्स ऑल। जब जो सत्ता में आता है वो अपने ही लोगों को नियुक्ति देता है, अपने ही लोगों को जुडिशरी में या बाकी पदों पर आसीन करता है। जब शेख हसीना थी, अवामी लीग थी, तो अवामी लीग के लोग थे, अब आ गया, अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, एंटी अवामी लीग फोर्सेज है, उन्होंने अपने लोगों को, तो वहाँ पे जुडिशरी क्या काम करेगी, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे उनको फोर्सफुली रेजिग्नेशन दिलवाया गया, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें पुलिस हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, उनको भी ठीक से काम न्यूट्रली नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन भी बहुत सक्रिय, बहुत न्यूट्रल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी उन्हीं का है। तो ये हालात ऐसे बने हुए हैं कि मुझे लगता है कि जो ये रिवॉल्यूशन था, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, ये अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन है। अब मुझे डर यही है कि जो अभी तक जो सेकुलर प्रोग्रेसिव ताकतें बांग्लादेश में सक्रिय थी, 1971 में वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी, उसके बाद इरशाद के खिलाफ 1989 में लड़ी, 2006 से 2008 में जिस तरीके का जो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ी, मुझे लग रहा है कि कहीं वो जो ताकतें थी, जो बांग्लादेश की एक आवाज़, बंगाली सेकुलर इंक्लूसिव समाज की आवाज़ थी, उसको कहीं दबा के कहीं रेडिकल ताकतें वहाँ पे मजबूत नहीं हो जाए, और जो बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से वो डरते थे और जिस पाकिस्तान से वो अलग हुए कि इस्लामिक राष्ट्रवाद की हम बात नहीं करेंगे, कहीं उन्हीं रास्तों पे ना चला जाए, उसी रास्ते पे नहीं बढ़ रहा हो जी। और यही भय सबको है, और भारत का पड़ोसी है, भारत तो हमेशा ये चाहता है एक धर्मनिरपेक्ष, सबल और स्थिर बांग्लादेश बने, जो इस पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग से नई भारत लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए।